वेलकम टू मैं यशोरी रसोई। आज मैं आपके साथ आमलेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और मैं इसे वेज आमलेट बनाऊंगी और इसे ब्रेड के साथ बना हुआ ये आमलेट खाने में बहुत अच्छा लगता है। जब कुछ भी समझ में ना आए और आपको कुछ नाश्ता बनाना हो तो आप इस आमलेट की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, ये सबको बहुत पसंद आता है। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एक ग्लास आमलेट बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये 4 व्हाइट ब्रेड, 1 कप बेसन, 1 मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने एकदम बहुत बारीक काटा हुआ है, नमक टेस्ट के हिसाब से 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चे या आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने इस वाले प्याज की अपेक्षा थोड़ा सा मोटा काटा हुआ है, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है जीरा और थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा यूज करेंगे हम पनीर, ये करीब 50 ग्राम पनीर है और साथ ही हमें जरूरत होगी 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर की और जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे कुकिंग ऑयल। तो चलिए अब अपना आमलेट बनाना शुरू करते हैं। बेसन को मैंने एक बड़े बर्तन में कर लिया है, इसमें हम ये नमक डाल देंगे, लाल मिर्चें डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, ये जो हमने जीरा लिया था ये भी डाल देंगे और ये कसूरी मेथी डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और ये जो हमने प्याज एकदम बारीक काट के रखा था ये भी डाल देंगे और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे, ये सिर्फ मैंने 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल लिया है ये भी डाल देंगे और सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और ये जो पानी है ये डालकर हम इसका एकदम एक पतला बैटर तैयार करेंगे। इसका बैटर हमें चीले की अपेक्षा काफ़ी पतला रखना है और बस इसी समय हम ये बेकिंग पाउडर डाल देंगे और एकदम अच्छे से मिला देंगे और हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे जिससे बेसन अच्छे से फूल जाए। और 5-6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बेसन हमारा एकदम इतना पतला है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। और अब हम गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर एक पैन रख देंगे और जैसे ही पैन गर्म होता है हम उसे रिफाइंड ऑयल के साथ ग्रीस कर देंगे और उसके बाद हमने ये जो बैटर बना के तैयार किया था ये 2-3 चम्मच हम इसमें डालेंगे और ये इतना पतला होना चाहिए कि ये अपने आप फैल जाए। और ये देखिए ये बिल्कुल अपने आप इक्वली चारों ओर फैल गया है। और अब एक ब्रेड लेंगे और उसे हल्के हाथों से ये बेसन वाले बैटर में डाल लेंगे और वो इस तरीके से हम चीले के ऊपर रख देंगे और एक बार हल्के से फिर से ग्रीस कर देंगे, थोड़ा सा प्याज डाल देंगे हरा धनिया डाल देंगे और ये मैंने थोड़ा सा चाट मसाला लिया था हल्का सा ये डाल देंगे और जैसे ही हमारा ब्रेड आमलेट एक तरफ से हल्का सा सिकता है बस इस तरीके से हम उसे उठाकर और टर्न कर देंगे और हल्का सा एक बार और ग्रीस कर देंगे। बस हल्का हल्का रिफाइंड या कुकिंग ऑयल आप जो भी यूज कर रहे हैं हल्का हल्का और चारों तरफ से लगा दीजिए और मीडियम फ्लेम पर हम इसे करीब 30 से 40 सेकंड तक इसी तरीके से सिकने देंगे और 30-40 सेकंड बाद आमलेट को हम इस तरीके से चारों तरफ से ब्रेड के ऊपर सेट कर देंगे जिससे ये देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। बस और बस देखिए ये दूसरी तरफ से भी हमारा एकदम वेज आमलेट सिककर तैयार हो गया है। और बस अब हम इसे पैन में से बाहर निकाल लेंगे और इसी पैन में हम सेम प्रोसेस से और बना लेंगे। पैन को एक बार ग्रीस करेंगे ये बेसन का गोल डाल देंगे, ये ब्रेड सेट कर देंगे और ब्रेड के ऊपर थोड़े थोड़े टमाटर डाल देंगे
प्याज डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे और ये चाट मसाला हल्का सा ग्रीस कर देंगे एक बार और थोड़ी सी चिकनाई लगा देंगे। और मैंने ये तो ब्रेड आमलेट सेक कर तैयार कर लिए हैं। अब ये जो हमने पनीर लिया था ये ऊपर से ग्रेट कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर से टमाटर डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे और एक बार फिर से हल्का सा चाट मसाला घेर देंगे और टमाटर सॉस के साथ इसे सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी हमारा बिना अंडे का आमलेट बनकर तैयार हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बन बहुत ही जल्दी जाता है। ये बिना अंडे का हमारा वेज आमलेट बनकर तैयार है। ये जितनी जल्दी बन जाता है खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें। एकदम लिमिटेड सामानों के साथ बना हुआ और बहुत ही ज्यादा टेस्टी और फटाफट बनने वाला ये ब्रेड आमलेट बनकर तैयार है। इसे आप हरे धनिया की चटनी और टमाटर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।